अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू अ अ न्यू न्यू व्लॉग, व्लॉग जा रेप रेप का का व्लॉग। और व्लॉग। आज है भाई सहर मिर्जा का निका निकाह। हम समझ रहे थे कि टाना, है मुझे बारात। लगा था बारात है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने डार्क कलर का ड्रेस ले लिया है हम समझे थे कि बारात है मगर आज और निकाह निका है। है, तो अब मुझे लाइट कलर का ड्रेस लेना चाहिए था। मगर मगर रुको रुको भाई, हमारे साथ प्रैंक हो गया। बारात ही थी, बारात है। चलो अब आगे देखो, जरा पहन ले, आप कुछ नहीं कर ये कुछ सकते। नहीं हो सकता, अभी अभी नहा धोकर आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और लाइव कर रहे हैं कल का व्लॉग एडिट, लाइक अ लेट गुड हो गया बॉय। आज, लेट हो गया बहुत। आज लेट हो गया, अब ओ ये भी तो 6 बजे ना, 6 बजे तो अपलोड कर देते हैं हम। बस फटाफट मैं जाऊँगी, अपनी ट्रांजिशन बनाऊंगी और फिर मैं रेडी होने बैठूंगी। सो फाइनली अभी मेरा जो है वो मेकअप डन हो गया, अभी मेरे बाल होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं ऐसे स्ट्रेट ही बाल छोड़ूंगी, पिन नहीं लगाऊंगी, मतलब डेड स्ट्रेट। और बस अभी फटाफट से मैं जाऊंगी, ड्रेस चेंज करूंगी। यस, और वैसे भी 2 दिन से नहीं किए थे, रोज मेरे मियाँ बोलते थे प्लीज बाल स्ट्रेट कर ले, प्लीज बाल स्ट्रेट कर ले, तो मैंने सोचा ये देखा, ये होता है, अगर बात मानो तो मसला, नहीं मानो तो मसला है। और इनको देख के ये लग रहा है कि शादी शायद कल है, मतलब ये क्या है क्या है। और गाइज हुसैन तरीन का गाना भी आया है यूट्यूब चैनल पे, द नेम इज तेरी याद ओनली याद ओनली याद। नूडल्स मैंने बनाया इसी खुशी में, नूडल्स। ये नूडल्स लग कैसे रहे हैं बस ये देख लें आप, सूप लग रहा है, सूप दलिया दलिया नूडल्स। जितनी देर में तुमने ये बनाया ना, इतनी देर में रबीका काशिफ खान ने पास्ता बना लिया था। वो ये शेफ है प्रॉपर और मैं हूँ, मैं हूँ ये। अभी मैं रूम में आई हूँ तो आप छुप छुप के वॉइस नोट किसको किसको इतनी हल्की आवाज में भेज रहे थे? मैं छोटू से बात कर रहा था। छोटू कौन है? माज। इतनी हल्की आवाज में क्या बात कर रहे हैं? ऐसी सही लारिफ खालिद, अच्छा ये देखें गाइस, माज सफदर का हमारे पास परफ्यूम भी रखा हुआ है। लारे भाई अपने साथ साथ रखते हैं हर वक्त। या इट्स वेरी गुड गाइस, ये वाला और ग्रीन वाला वेरी गुड, दोनों मेरे घर में मेरे पास होते हैं एनी टाइम। ये मेरे यू गाइस कैन गो देख लो, मेरे सराहने बड़ा तो देख लो। हाँ ये देखो गाइस, छोटू का ब्रांड जिंदाबाद, छोटू का ब्रांड जिंदाबाद। तो अच्छा लग रहा है आज भी मेकअप मेरा, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो बस अभी फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मेरी वजह से लेट हो जाए, प्लीज सब लोग मेरे पे चढ़ाई कर देते हैं। दिल तो मेरा चाह रहा है ऐसी पिंजी लगा के चली जाऊँ, लेकिन पिंजी लगा के नहीं जा रही, शादी पे जा रही हूँ ना, यू नो। भाई मैंने अपने नूडल्स बना लिए हैं, अभी अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, ये लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, और अभी भी आज मुझे लग रहा है हम दावत में लेट जाएंगे, क्योंकि अभी भी हो रहे हैं 8:30 और दोनों मोहतरमा अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। हुसैन तुमने कुछ लोगों की जेलसी देखी है कि उस दिन तुम्हारी और मेरी ट्विनिंग थी, तो आज रबीका काशिफ खान और लारिब खालिद ने ट्विनिंग की है। ओहो, इनको लग रहा है कि सिबलिंग ये ज्यादा इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं कॉपी करके हमने हमारा लेवल बना हाँ, दिया ना, बिल्कुल। लारिब खालिद आपने बदला लेने के लिए आज रबीका काशिफ खान के साथ ट्विनिंग की है, तो उसका भी वाइट है, यहाँ पे हम दोनों रेडी हो चुके हैं, और रबीका काशिफ खान का और मेरा साथ में थोड़े थोड़े ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे, अगर कोई जल्दी रेडी हो जाएगा तो चले जाएंगे। हमेशा की तरह लेडीज को जो है बहुत टाइम लग रहा है, और आपका लाली भाई जो हो गया रेडी, 10 मिनट लगते हैं मुझे, और मैं रेडी हो जाता हूँ, मतलब मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, वो भी नहाने के बाद बाल बनाने में। बाल बनाने अपने को लगता है टाइम, क्योंकि अपन को जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं, उसके बाद होना होता है रेडी। खैर मुझे इसके ऊपर सिर्फ एक लेयर लेनी है, और बस ड्राइवर को मैंने बोल दिया सर आ जाओ, अभी भी रबीका काशिफ खान के बाल बन रहे हैं, और मदिया भाभी भी आ गई हैं, मदिया भाभी जो हैं वो रेडी हैं, बस मदिया भाभी के थोड़े से बाल सही हो रहे हैं, ऐसन भाई बराबर घर में तैयार हो रहे हैं, मेरी बेगम यहाँ पर जो है वो फ्लॉन्ट कर रही हैं। यो भाई ठीक है भाई, ये भाई ये वाओ, ओ माय गॉड, ठीक है बेगम, ठीक है बेगम, बस बेगम, इससे ज़्यादा नहीं होता। भाई भी आप रेडी हो गए? हम लड़के सही है, 10 मिनट में रेडी भाई। मैं अपने ब्लॉग में बोला है कि अभी हमें तैयार होकर भी आ जाऊंगा, जब भी लोग यहीं खड़े। ये देखो ये भी रेडी, मैं भी रेडी, हमें 20 मिनट चाहिए होते हैं, इनको चाहिए होते हैं 20 घंटे, वो भी कम है, उससे कुछ रह जाता है। मेरे मियाँ ऊपर से चिल्ला रहे कि चलो 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 चलो, बिकॉज लेट हो चुका है। जी सर चले, प्लीज आज शॉल उठा लेना ताकि मैं वहाँ पे, नहीं नहीं वेलवेट मेलवेट गई भाई, शॉल लेके जाऊंगी भाई, बहुत ठंडा आज, तो मैंने सॉक्स भी पहन ली कुत्ते के साथ भाई, फैशन अपनी जगह, मैं मुझे नहीं ठंड बर्दाश्त करनी। और उस दिन मैंने हाथ इतने ऐसे सेके सेके मेरे हाथ ही काले हो गए, जल गए सारे मेरे हाथों पे, हल्के हल्के बाल थे वो भी जल गया, रेड की जरूरत नहीं हुई, वैक्स के पैसे बच गए। वुड यू माइंड टू कम एंड ओपन द डोर फॉर मी? सब कुछ सिखाना पड़ता है अनरोमेंटिक हस्बैंड्स का ना, यही होता है बस। टेंट नहीं लगाया, ओप्स टेंट नहीं लगाया अपने, आपको याद ही नहीं।
अब क्या कर रहे हैं? चले चले। हम पता नहीं क्यों जब हम पहले इवेंट पे गए तो हमें लगा था कि हम लेट हैं, तो हम वाकई लेट थे। जब हम दूसरे इवेंट पे गए तो हमें लगा कि हम लेट हैं लेकिन हम बहुत जल्दी थे। तो हमने सोचा कि आज भी वही हिसाब किताब होगा, तो हम आज भी लेट निकले और देखा तो बारात भी आ गई, सब कुछ हो गया, एंट्री मिंट्री सब हो गया और हम अभी रस्ते में। पता नहीं कब कहाँ किस इवेंट पे ऐसा होगा कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचेंगे मतलब। और अभी भी मैं, लारे, खुरैम हम लोग निकले हैं, अभी भी रवीका और हुसैन पीछे आ रहे हैं हमारे, 5 मिनट के डिस्टेंस से हम लोग जा रहे हैं। उनको भी और देर थी तो उन्होंने बोला कि तुम लोग निकलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। कौन लोग हैं यार खुरैम, सब तुम्हारी वजह से हुआ यार। तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था ना कि हम टाइम से उठते, टाइम से रेडी होते, टाइम से पहुँचते। और आज माशाल्लाह इवेंट बड़ा लग रहा है, लोग ज़्यादा लग रहे हैं और बस सब क्या कर सकते। क्या पहना हुआ नीचे से? ये कहाँ पे कितने तुम चालाक। कल आपका मुकाबला हो रहा था, कसम से इतना मिस किया है ना मैंने डांस का। अभी आपके बेगम नहीं है ना तो आपको नहीं पता कि बेगम का प्रेशर क्या होता है। हमने प्लान किया था कि हमें बिल्कुल एंड में करना है, आखिरी बम्प से मैंने फेंका था, बस सैरी का टाइम हो गया था। यू डांस वेरी वेल भाई। हां लारिफ ने बहुत तारीफ की। ये रहे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है हमारी ब्राइड। आई गेस शी इज इमोशनल अभी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्राइड मेड भी बहुत प्यारी लग रही है और वो भी रो रहे हैं और बहुत इमोशनल टाइम होता है यार ये। मुझे तो मैं रास्ते में भी सोच रही थी तो मुझे कुछ हो रहा था, मैंने कहा यार मतलब ये बहुत वाकई टफ टाइम होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। आमिर बहुत खूबसूरत लग रही है बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार खाना लगा हुआ है, आप लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली और बोल रहे हैं कि हम लारेब की वजह से खाना नहीं खा रहे। खाना ना उतरता नहीं है लारेब के बगैर, तो मैं वेट अच्छा। कर मेरा वेट करी, उन्हें खाना नहीं खाना। यार तुम साथ थी ना, बस कोशिश की लेकिन एक लेकिन एक चीज बहुत गलत करी है, छोटू को नहीं लेके आए साथ, उसको घर छोड़ के है ना मेरा छोटू सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शतकी जाऊ पालो गुडिया वाली पालो पालो। क्यों रोई है, रुलाते रहते हैं आप तो इसको बिचारी को, कितनी प्यार। नहीं अहसन भाई तो वेरी गुड, अहसन भाई तो संभालते हैं। वेयर इज योर वाइफ, प्लीज कॉल हर। लाल जोड़े में, मैंने भी लाल ही पहना है वैसे आज। इसने पिंकू पहना है, पिंकू पहना है। वो रहीमती है ऐसे पान दिया हमारे साथ ही घर से निकली थी, आप हमसे पहले निकली थी, फिर आप हमसे लेट कैसे पहुंची? हम ट्रक्स की वजह से लेट हो गए। आप इधर आएंगी जरा, बहुत प्यारी लग रही है आप। जरनाब ने जो है ना वो बहुत ही खसूसी ट्विनिंग करी है, गैस करें किसके साथ अभी बता दूं थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, आप पहले एक चीज नोट करें, हम दोनों में आपस में नहीं नहीं पहले मिले मिले पहले जल्दी मिले, आपको बताते फिर हम। आंटी आपको पता है ट्विनिंग हो गई आप लोगों की? नहीं।
ऐसा लग रहा है बॉडीगार्ड लाए हैं हम साथ। यहाँ पे आंटी का शूट हो रहा है ऋषभ के साथ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह दोनों। वाह वाह वाह। चलो जल्दी ना, अब जाएं जानू, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, एक्सप्रेशन देखो कहाँ जाएं। एक जगह नहीं मिल रही ऊपर से कर रही है, क्या सीन है ये बिठा रहे, क्या फायदा यार ये बॉडी गार्ड का, क्या फायदा मुझे तो ये समझ नहीं। शक्ल तक गई जैसे पता नहीं क्या हमने जुल्म कर दिया। नींद आ रही है। सो फाइनली हमें एक टेबल पे बैठ गए हैं सब लोग साथ में, हम बस खाना खाएंगे। लेकिन अभी भी आई गेस कुरैम और हुसैन को नहीं मिल गई जगह, मिल गई मिल गई मिल गई। और ये लालिब को खाना डाल के दिया है कैन भाई ने, वाह 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 खाएं छोटे भाई की। अरे यार अब क्या करें लाली, अब क्या करें। हाँ मैं ये छोटे नहीं है, अब मैं आपको बता रही हूँ ये छोटे नहीं है, आप सिर्फ इनकी एज गेस कर लें। 30 नहीं भाई, क्या हो गया 25-26 से ऊपर कहाँ दिखता हूँ मैं। आज कोई 12 यार, यार आज तो हुसैन की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हुसैन, हैप्पी बर्थडे डियर हुसैन। खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है और अब हम वेट कर रहे हैं कि हम किसी तरह स्टेज पे जा सके। लेकिन रश आपके सामने, स्टेज पे जाना अभी बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा और अभी मुमकिन ही नहीं लग रहा। आदिल ही नहीं मिल रहा हमें, आदिल पता नहीं कहाँ चला गया, वरना जब तक हम रील बनवा लेते हैं फिर हम शहर से मिलके फिर घर चले जाएंगे और कल हम चले जाएंगे इंशाल्लाह वापस घर कराची, फिर हम खाएंगे मिक्स। यहाँ पर जो है ना वो हमारी एक दीपिका का शूट हो रहा है, ठीक है भाई। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप एक रील का क्लिप ऐसा लेना कि आप क्लोजअप ले रहे हो और ये कोई दरवाजा बंद कर दे सही, और टांग वांग आ जाए तो जो फिर व्यूज आएंगे ना। चुप करो गफ्फार चुप। हम लोग कब से लारेब को ढूंढ रहे हैं, लारेब वहाँ पे गाड़ी पे बैठ के अकेले अपना सोलो शूट करा रहे हैं और हम गफ्फार को क्लिप में ले रहा था, दरवाजा बंद कर दो टांगों के साथ। बचवा है आप, किस चीज का मना कर रही है भाई, क्या हो गया, नहीं गुस्सा किस चीज पे कर रही है, नहीं क्या मसला है, बस पे ठीक है। मैं सुना आपका भाई यूके से आ रहा है, एक स्पाइडरमैन का मास्क मंगा लेना। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है सभी भाई, तबीयत सही है आपकी, बाकी सब खैर और कोई टेंशन आप बताएं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं सर आप, थैंक यू सर, ठीक है सर। भाई मामू का और मेरी जो है ना ये प्रिंस कोट खुल गए। अच्छा खुल गए, ये कह रहा खुल गया। अच्छा वो मुझे, ये एक तो इन्होंने मुझे बिद ला के दिए, नहीं इसमें नहीं कर सकते। हाँ इसमें भी कर सकते हैं, इसमें बैग पर नाम लिख दो, इधर अपना नाम लिख दो, उसको लॉक कर दो। यार ये आइडिया है, गुड आइडिया, गुड आइडिया सर, आई लव यू। किसी को बताना ना, नहीं बता रहा, चलेगा मुझे खाली डब्बे ला के दे। एक तो मेरी बेगम इतनी खूबसूरत लग रही है, क्यों इतनी प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह लग रही हैं और ये अस्तगफुरुल्ला लग रहा है। कैसा अस्तगफुरुल्ला है, हिदायतुल्ला अताउल्ला। भाभी जी जी भाई, मैं एक बात बताऊं, हमने हेरा आपके साथ पता क्यों खड़ा रखा है, कि आपको नजर ना लगे, काला पहना है, नजर का टीका बनी हुई है ना, कहाँ से मिला था वैसे ईमानदारी से, वो आगे वाले सोफे पे था, मैं पीछे वाले में देखा। अल्लाह की कसम सोफे पे रख के भूल गया था, अरे नमाज होते थे बच गए। अच्छा बहन अभी लीविंग सलामी शलामी देके, सलामी शलामी देके निकलेंगे हम। Next 30 minutes after the pictures of madam. Oh really? Madam? I thought aunt. No. I can't say anything. थोड़ी देर में जो है ना वो रुखसती है और रुखसती होने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने घर, फिर जाके हमें करनी है पैकिंग, पैकिंग करने के बाद सारी चीजें रैप करके सोएंगे, सुबह उठ के नबील से मिलेंगे, नबील के साथ हम जाएंगे लाहौर और सीधा लाहौर एयरपोर्ट जाएंगे और इस तरह सारे समाचार चलेंगे फिर अपने घर। यार ये सुबह भी चारी रो रही है, अगला बस नसीब अच्छा करे लारेब। और अभी क्या कह रहे हैं कि हमारी सास में पिक्चर ले दें,
ओहो ये इनको मुझे लग रहा है वो जेलेसी फैक्टर हो गया उस दिन की वजह से ना, बस क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर ली थी ना बिंगोस मैच नहीं हो गया। ओहो अच्छा वैसे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ हो रहा है मुझे। खैर हमारे वाली बात नहीं आ रही, फिर भी हमारे वाली बात नहीं आ रही। फाइनली आई गेस लारिब ने वहां पर आंटी को रोका है कि हम उनको मिलके उनको इनवेल्प दे देते हैं, और एक्सट्रीमली सॉरी सहर या जो भी व्लॉग देख रहा है, अगर कोई देख रहा है तो हम चाहते थे कि हम मिलके खुद दें, लेकिन हम आए लेट और इतनी जल्दी जल्दी सब हो गया, समझ भी नहीं आ रहा था कुछ। पर खैर अब बस जाके देख लेते हैं, आंटी को पकड़ा देते हैं, ढेर सारी दुआएँ सहर के लिए। बहुत इमोशनल डे है और बहुत इमोशनल सीन होता है ये वाला, और जिसकी शादी हुई हो ना वो बहुत फील करता है। मैं तो मतलब मुझे फ़ौरन अपना टाइम याद आ रहा था और मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैं कह रही थी यार मतलब लड़कियों के लिए कितना टफ होता है ये सब करना। अब हम लोग जा रहे हैं घर 2 बजे, आज फिर भी हम सबसे जल्दी घर जा रहे हैं, और बस अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हम शोरमा लेते हैं वो खुली हुई जगह हम शोरमा लें और फिर घर जाएं। वैसे भी रबीका काशिफ खान ने बोला कि मैं पास्ता आपको दोबारा बना के दूंगी तो फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने नींद में खाया था और मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या खाया था। सोई ना ये। नहीं आज नहीं सोऊंगी मैं, आज जागूंगी मैं, घर जाके सोना ही है फिर। क्यों चले जाएंगे तो घर जाके आपको सोना ही। हाँ हाँ घर जाके तो सोना ही है, मैं इस घर की बात कर रही थी। जी जी मुझे शादी खत्म होने के बाद सीधा हम आ गए हैं रोज के पिट स्टॉप जहाँ से हम लेते हैं ये गर्मा गर्म शॉर्मा, और ये बहुत अच्छे शॉर्मा थे यहाँ के, कंटिन्यूस हम 3 दिन से ये खा रहे हैं तो हमें सबको अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा कॉम्बो जो है ना वो फ्राइज के साथ होता है, फ्राइज एंड शॉर्मा विथ 1 ग्लास वाटर 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 वाटर। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और हम मैं लारिब को और बीका हुसैन को और आंटी अपने महीर को छोड़ कर आए कि तुम लोग हमारे लिए शॉर्मा लेकर आओ, क्योंकि हमें यहाँ पे शॉर्मा बहुत अच्छा मिल गया एक जगह से, हम वही खाते हैं रोज़। और उज़ैम बहुत अच्छा बच्चा, आज उज़ैम ने मुझे नूडल्स भी बना के दिए, अब उज़ैम मुझे पानी भी पिला रहा है। उज़ैम वाह 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 वा, क्या बात है, दुआएं हासिल कर रहे हो तुम, बड़ों की दुआएं पता कितनी काम आती हैं। आखिरकार हम भी बड़े हो ही गए हैं, मतलब अब बच्चों को दुआएं देने वाले हो गए, हम पहले लेते थे अब देते भी हैं। नहीं हमें दुआएं मिलती हैं आंटी से, लेकिन अब हम भी बड़े हो गए। ये रहा जी बित का बॉक्स, और इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें है हमारे पास ये, व्हाट इज दिस, छोटी सी आइसक्रीम, मिनी कॉर्न आइसक्रीम नहीं है चॉकलेट, मिनी कॉर्न, वी हैव टॉफी एंड वी हैव खजूर एंड दिस इज खाजू एंड ये क्या ये वो छिलके वाला कपड़ों वाला बादाम। अब आप ही सही पे मतलब अपनी लैंग्वेज से पहले ओह माय गॉड ये है अनबॉक्सिंग, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस माय वे। बहुत हंस रही है रवि का, बहुत हंस रही है, इससे भी आई लगती है। ओह